ये है इसका ऑफिस, ऑफिस हमने आपको दिखाया था। और इधर हम लोग यहाँ पे घूमने बना है देखने के लिए, यहाँ पे गाड़ी बस जा रही है, देख सकते हैं आप गाड़ी बस जा रही है इधर। तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार और मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ कि क्रांति नगर गांव, जो शारदा नगर से आउटसाइड में पड़ता है क्रांति नगर गांव, उसका मैं आज को आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। इससे मैं देख सकते हैं ये जो क्रांति नगर गाँव है, यहाँ पर क्या हुआ था कि कटान हुआ था। तो ये हमारे पीछे देख सकते हैं चारों तरफ बालू बालू है, घर के पास बिल्कुल गाँव में कटान हुआ था। तो अब इस समय नदी बहुत दूर जा चुकी है, तो यहाँ पे हम इस समय खड़े हैं और ठंडी बहुत तेज़ है। यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी बहुत तेज़ लग रहा है। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने में इसको मैं आपको कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। और आज दिखाएंगे कि हम लोग पूरे गांव का जो व्यू है वो दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो क्रांति नगर गाँव है वो कैसा है, किस प्रकार से है, तो वो सारा चीज़ें दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ बने रहिए, चलिए हम आपको गाँव दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं, बैक कैमरे से आपको गाँव दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि क्रांति नगर का गांव हमने अभी दिखाया आपको, तो कैसा लगा, किस प्रकार से लगा। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी होंगे सारे झोपड़ी मिलेंगे आपको, कोई भी यहाँ पे पक्का मकान नहीं मिलेगा। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि नदी बिल्कुल पास में है और इसी के कारण यहाँ पे कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है इसी के चलते। तो जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, यहीं पे इनका खेत है, उसी में अपना करना खाना और सारे इसी माध्यम से रहते हैं, घर बना के घर झोपड़ी का घर बनाते हैं, फिर उसी में रहते हैं। यहाँ पे किसी के घर, किसी के पास यहाँ पे पक्का। इधर देख रहे हैं कितना ज़्यादा धुंध पड़ रहा है, इस समय ठंडी का मौसम चला हुआ है तो धुंध बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये पूरा अभी धुंध दिख रहा है। और मैं इधर आया हूँ खेत, तो खेतों में घूमने के लिए। अब ये देख सकते हैं ये नदी यहाँ पे कटान कर चुकी है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी किसान हैं, अब वो नदी दूर चली गई है तो उसमें अब खेती कर रहे हैं। गेहूँ लगाया गया है यहाँ पे, दूर दूर तक देख सकते हैं गेहूँ लगा हुआ है। और हमारे साथ इधर आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था, कटान हुआ था, ये देख सकते हैं किस प्रकार से कटान हुआ था। मैं ऊपर आता हूँ, इधर भी देख सकते हैं कि ये जो खेत होते हैं इधर, इधर ऊपर नहीं कटान हुआ था। तो आप देख सकते हैं इधर जो भी है फसल जो भी लगाए जाते हैं इधर, तो बने रहिए मेरे साथ। Thank you.
अभी हमने पूरे गांव का जो आपको सीन दिखाया है, कुछ इस प्रकार से ये गांव है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गांव है। हमने एक एक करके जहां तक कोशिश किया है, कवर किया है कि सारा गांव आपको दिखाने का, तो वो सारा हमने दिखाया है। कुछ घर छूट गई हैं इधर, तो वही चीज़ें हैं। हम फिर से इधर नदी के किनारे आ गए हैं। नदी के किनारे यहाँ पे जो जहाँ पे नदी कटान करके फिर काफ़ी दूर चली गई है, तो वहाँ पे है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए हम यहीं पे खड़े हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं अब धूप निकलने की तैयारी है, थोड़ा थोड़ा जो है वो धूप निकल रहा है, तो निकलने दीजिए। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा धूप निकल रहा है। ये देखिए धूप निकल रहा है, ये देख सकते हैं किस प्रकार से धूप निकल रहा है। कहाँ जाते रहे, कहाँ जाते रहे? स्कूल ही। ये देखिए दोस्तों, हम लोग शारदा बैराज पे आए हुए हैं। ये शारदा बैराज है, आपको हमने दिखाया था जब हम लोग उधर से आए थे, तो यहाँ पे आज हम रुके हुए हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं कुछ अच्छा सा सीन, यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे भी चल रहे हैं, आगे भी चल के आपको दिखा रहे हैं कैसा शारदा बैराज है। थोड़ा सा अंदर भी चलेंगे, यहाँ पे भी दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अंदर, अब यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे। अरे यहाँ पे देख सकते हैं एक फाटक खुला हुआ है जिसमें से नहर में पानी जा रहा है यहाँ पे, तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कितना स्पीड से पानी जा रहा है यहाँ पे, देखिए। देख सकते हैं बाकी सारा बंद है, एक ही एक खुला हुआ है, दो फाटक खुले हुए हैं, दो या तीन हमको लग रहा है, तीन खुले हुए हैं, लेकिन एक ज़्यादा खुला हुआ है, बाकी दो कम खुले हुए हैं। ये देख, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये हम घूमने में घूम रहे हैं इस समय। आगे भी देख सकते हैं उधर शारदा बैराज,